हेलो नमस्कार दोस्तों, पूजा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हरीश एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, आप ट्रेन का जनरल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हां, आप जो ट्रेन का जो जनरल टिकट भी है वो ऑनलाइन बुक हो रहे हैं दोस्तों, तो आप जनरल टिकट भी आप ट्रेन की आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रेवल कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट बुक करें और आसानी से ट्रेवल करें। तो इस वीडियो में आपको यही डिटेल्स बताएंगे कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से जनरल टिकट कैसे बुक करेंगे ट्रेन की। तो चलिए दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, IRCTC की जो वेबसाइट है, जैसे हम IRCTC.co.in पे जाएंगे। यहाँ से जैसे ही IRCTC की जो वेबसाइट खुलेगी, इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाएगा बुक टिकट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम कहाँ से आपको जाना है, ये आप चूज करेंगे। चलिए हमें पटना से जाना है, देखिए आ गया पटना जंक्शन आ गया। और यहाँ पे देखिए डेट आ गया, किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो चलिए हमें 9 तारीख को जाना है। जिस तारीख को आपको जाना हो, ट्रेवल करना हो, यहाँ पे डेट सिंपली चूज करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, तो चलिए हमें खगड़िया जाना है। खगड़िया यहाँ पे चूज टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ गया, देखिए खगड़िया जंक्शन चूज कर लिए। यहाँ पे क्लास पूछ रहा है किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी हैं, AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, सेकंड क्लास सीटिंग। देखिए ये सेकंड क्लास सीटिंग जो है यही जनरल कैटेगरी का टिकट है, जिसमें आप सिर्फ बैठ के जा सकते हैं। स्लीपर हो गया सोने वाला। और तो चलिए ये हम क्लास रहने देते हैं, टोटल क्लास यहाँ पे ट्रेन दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल में चाहते हैं, लेडीज के लिए चाहते हैं, दिव्यांग के लिए चाहते हैं, तत्काल के लिए चाहते हैं, प्रीमियम तत्काल, ये सब ऑप्शन दी गई हैं। तो चलिए सिंपली यहाँ पे जनरल ही रहने देते हैं। अगर कैंडिडेट विकलांग है तो यहाँ पे चूज कर लेंगे, लेडीज हैं तो आप चूज कर सकते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये चूज कर सकते हैं ऑप्शन। चलिए हम जनरल हैं तो जनरल में चूज करेंगे और सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नया इंटरफेस इस तरह से आ गया। देखिए यहाँ पे जो लिस्ट शो करता है पूरे ट्रेन का है, जो पटना से खगड़िया तक जो जो ट्रेन जाती है पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर जाती है। देखिए पटना एक है 12:30 में जो पटना से खगड़िया जाती है, टाइम लगेगा 2:56, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा रहा है। और देखिए सेकेंड सीटिंग में 1559 सीट खाली हैं। और AC चेयर, एक AC चेयर कार होता है, उसमें आपको 151 सीट बच रहे हैं। अब देखिए इस ट्रेन का लिस्ट पूरा दी गई है, ये आपको 2:15 में जाती है, टोटल टाइम लगाएगा 3:33, पहुँचाएगा 5:48 पे शाम में, इसमें भी खाली है 2S में 1180 सीट। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनों का लिस्ट दी गई है पूरा डिटेल्स के साथ, कब खुलेगी, कब पहुँचाएगी, कितना टाइम लग रहा है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन क्लास में कितने सीट खाली हैं, देखिए स्लीपर में 242 है, AC थर्ड AC में आपका 96 सीट खाली है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस भी दी गई है, रेट भी, कितना किराया है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप अपने इच्छा के अनुसार जिस ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। देखिए इसमें सेकंड सीट में वेटिंग है, WL के मतलब वेटिंग होता है, वेटिंग 1, और स्लीपर में यहाँ पे वेटिंग 16 है, AC थर्ड AC में वेटिंग 3 है। तो आप जिसमें बुक करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे, यस बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा, देखिए हमारा इस नाम से बना हुआ है। और यहाँ पे जो कैप्चा दी गई है नीचे वो आपको सिंपली फिल करना है दोस्तों। देखिए इन हो गया, अब यहाँ पे जिसमें हमें बुक करना है सिंपली क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए ट्रेन का आ गया, नाम आ गया, ट्रेन नंबर आ गया, टाइम आ गया 2:15 में खुलेगा पटना से, 9 तारीख को पहुँचाएगा, टोटल टाइम जो लग रहा है 3:33, ये पहुँचाएगा हमें 5:48 में खगड़िया। अवेलेबल सीट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1180, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता है दोस्तों। क्लास है सेकंड सीटिंग, जिसमें हम बैठ के जा सकते हैं,
और यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल पूछ रहा है, पैसेंजर का यहाँ पे नाम डाल देंगे, और यहाँ पे उनका एज डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, और यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद उनका एड्रेस यहाँ पे चूज कर लेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना, पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आ गया, यहाँ पे सिटी चूज कर लेंगे, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चूज कर लेंगे, और यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, सब नहीं डालना है। अदर प्रिफ्रेंस में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस यस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पे थ्रू भीम यूपीआई से अगर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको दोस्तों एक फ़ायदा है कि इसमें जो आपको है, देखिए पे थ्रू भीम यूपीआई से करेंगे तो जो जीएसटी कन्वीनियंस जो फी लग रहे हैं वो 10 रुपये लगेंगे, अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो 15 रुपये कन्वीनियंस फी आपको लगेंगे, तो इसमें आपको 5 रुपये की बचत होगी भीम यूपीआई से करेंगे तो। तो चलिए हम पहले सिंपली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही करेंगे, सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ गया, ट्रेन का यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कितना सीट बचा हुआ है, कौन सा क्लास है, सब आ गया, नेम आ गया मेरा, और यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गया, और ईमेल आईडी भी आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे, यहाँ पे देखिए कैप्चा दी गई है, इसको कैप्चा को आपको क्लिक करना है तो बंद कर देंगे और सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया, पेमेंट का ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ पर सिंपली नेट बैंकिंग से हम करना चाहते हैं, स्टेट बैंक जो बैंक का आपका है, नेट बैंकिंग या आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे बैंक का डिटेल्स दी गई है, सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और पे एंड बुक बटन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यूजर आईडी पूछ रहा है, यूजर आईडी हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, पासवर्ड चूज कर देंगे। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पे, लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे पे 2 अकाउंट हैं, यहाँ पे सेविंग से करना चाहते हैं या करंट से, जिस जो ऑप्शन है यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे और सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है टिकट जनरेट हो गया, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा जो है टिकट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद कन्फर्मेशन मैसेज यहाँ पर शो कर जाता है। अब देखिए ये हमारा टिकट यहाँ पे बुक हो गया, और देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।